नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं खबर जिन पर नजर। सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक में यह फैसला लिया गया। लंबे समय से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इसकी मांग कर रहे थे, तो चलिए जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने अपनी बैठक में परीक्षा को लेकर क्या कुछ कहा। देश में जारी कोरोना संकट के बीच 10वीं के बाद अब सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की भी परीक्षा रद्द कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 12वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। लंबे समय से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इसकी मांग कर रहे थे। दिल्ली समेत कुछ राज्य सरकारों ने भी 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि अगर आप पिछले साल की तरह परीक्षा रद्द न करने का निर्णय लेते हैं तो उसका उचित कारण बताएंगे। बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि स्टूडेंट्स के हित का ध्यान रखते हुए ये फैसला लिया गया है। परीक्षा रद्द करने के फैसले पर पीएम मोदी ने कहा कि स्टूडेंट्स का स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा सर्वप्रथम प्राथमिकता है, जिससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एग्जाम को लेकर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स में जो तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है उसे खत्म करना चाहिए। सभी भागीदारों को इस मामले में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। पीएम ने कहा कि कोविड के हालात अस्थिर हैं। देश के कुछ राज्यों में जहां माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर संक्रमण का दर कम हो रहा है, वहीं कुछ जगहों पर अब भी लॉकडाउन लगा है। ऐसी परिस्थिति में पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स खुद भी स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में स्टूडेंट पर बोर्ड परीक्षा में शामिल होने का दबाव नहीं डालना चाहिए। केंद्र व सीबीएसई ने कहा है कि समय के अनुसार उचित क्राइटेरिया के तहत मार्किंग की जाएगी और रिजल्ट तैयार होगा। वहीं स्टूडेंट को पिछली बार की तरह परीक्षा देने का विकल्प भी दिया जाएगा। जो स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं होंगे, वे बाद में एग्जाम देने का विकल्प चुन सकेंगे। कोरोना संकट के बीच WHO ने आपात इस्तेमाल के लिए सिनोवैक कोरोना वैक COVID-19 टीके को मंजूरी दी है और साथ ही देशों, खरीद एजेंसियों और समुदायों को यह आश्वासन दिया गया है कि यह टीका सुरक्षा, प्रभाव और निर्माण के लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है। तो चलिए जानते हैं कि इस टीके को लेकर WHO ने और क्या कुछ आश्वस्त किया है। WHO ने बीते मंगलवार को चीन के दूसरे COVID-19 टीके सिनोवैक को आपात उपयोग सूची में शामिल करने के लिए मंजूरी दे दी है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि देशों, खरीद एजेंसियों और समुदायों को ये आश्वासन दिया गया है कि ये टीका सुरक्षा, प्रभाव और निर्माण के लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है। ये टीका बीजिंग स्थित दवा कंपनी सिनोवैक द्वारा बनाया गया है। WHO के सहायक महानिदेशक डॉक्टर मारिया नजेला सिमाओ ने कहा है कि दुनिया को कई कोरोना टीकों की सख्त जरूरत है। हम निर्माताओं से कोवैक्स कार्यक्रम में भाग लेने और अपने ज्ञान और आंकड़ों को साझा करने और महामारी को नियंत्रण में लाने में योगदान का आग्रह करते हैं। बता दें कि WHO ने 7 मई को आपात इस्तेमाल के लिए चीन के सिनोफार्म COVID-19 टीके को सशर्त मंजूरी दी। तो वहीं भारत में पहली बार मिले कोरोना वायरस के B.1.617.2 वेरिएंट को नया नाम दिया गया है। WHO ने कहा है कि B.1.617.2 डेल्टा के नाम से जाना जाएगा, जबकि यहां मिले एक अन्य वेरिएंट B.1.617.1 को कप्पा नाम दिया गया है। कोरोना के इन स्वरूपों की पहचान सबसे पहले अक्टूबर 2020 में भारत में हुई थी। WHO के ग्रीक अल्फाबेट्स के आधार पर दुनिया के दूसरे देशों में मिले वेरिएंट्स का भी नामकरण किया गया है। ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब कोरोना के अलग अलग वेरिएंट को देशों के नाम के साथ जोड़ने को लेकर विवाद हो रहा था। B.1.617.2
617.2 को इंडियन वेरिएंट कहे जाने पर भारत ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। अनंत अंतरिक्ष में तैर रहा मलबा अब इंसानी मिशन के लिए खतरनाक बनता जा रहा है। कनाडाई स्पेस एजेंसी के मुताबिक एक छोटा सा मलबे का टुकड़ा स्पेस स्टेशन की रोबोटिक भुजा से टकरा गया। तो चलिए जानते हैं कि अंतरिक्ष में इस मलबे का टुकड़े से स्पेस स्टेशन को किस तरह से नुकसान पहुंचा है। अंतरिक्ष में घूम रहे स्पेस जंक या मलबा अब घातक बनता जा रहा है। इसकी एक वानगी उस वक्त दिखाई दी जब पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की रोबोटिक आर्म से इस मलबे का एक टुकड़ा आकर टकरा गया। कनाडाई स्पेस एजेंसी ने इसकी जानकारी को साझा करते हुए कहा है कि मलबे के टकराने से स्पेस स्टेशन की रोबोटिक आर्म को नुकसान पहुंचा है। इसको आसानी से भी देखा जा सकता है। स्पेस एजेंसी की तरफ से कहा गया है कि मलबे का यह हिस्सा रोबोटिक आर्म के थर्मल ब्लैंकेट से टकराया था, जिससे इसको नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि इस रोबोटिक आर्म को कनाडा ने ही बनाया था। इसको स्पेस स्टेशन में 20 साल पूरे हो गए हैं। 12 मार्च 2001 को पहली बार इसको स्पेस स्टेशन से जोड़ा गया था। 12 मई को जब इसकी जांच की गई तो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को इस घटना के बारे में पता चला था। हालांकि जांच के दौरान ये भी पता लगा कि इस टक्कर का इस रोबोटिक आर्म पर कोई खास असर नहीं पड़ा है और ये सही तरीके से काम कर रही है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अंतरिक्ष में अनियंत्रित होकर घूम रहे मलबे के करीब 27,000 छोटे और बड़े टुकड़ों पर नजर रखती है, लेकिन मौजूदा टकराव के बाद ऐसा माना जा रहा है कि इस निगरानी के बावजूद भी कई ऐसे टुकड़े हैं जिनको हम नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन इन टुकड़ों से धरती के चक्कर लगाने वाले स्पेस स्टेशन और मानव निर्मित सैटेलाइट्स को जबरदस्त खतरा है। जहां तक रोबोटिक आर्म का सवाल है तो आपको बता दें ये इस स्टेशन के लिए बेहद खास है। ये रोबोटिक आर्म धरती से भेजे गए कार्गो शटल या स्पेस शटल को पकड़ने का काम करती है। इसके अलावा ये अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को स्पेस वॉक के दौरान भी मदद करती है। इसको कनाडाई स्पेस प्रोग्राम के तहत बनाया गया था। अंतरिक्ष में अनियंत्रित होकर घूमने वाले ये टुकड़े नष्ट किए गए सैटेलाइट के टुकड़ों से लेकर एस्ट्रोराइड और दूसरी चीजों के भी हैं। धरती से लाखों किलोमीटर की दूरी पर स्थित एस्ट्रोराइड बैलेट में चक्कर लगाने वाले एस्ट्रोराइड भी कभी कभी इससे निकलकर धरती की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये भी कई बार धरती और अंतरिक्ष में चक्कर लगाने वाली मानव निर्मित चीजों के लिए खतरा बन जाते हैं। इस एस्टेरॉयड बैलेट में सेरस नाम का एक डार्क प्लैनेट भी है, जिसका डायमीटर करीब 1,000 किलोमीटर का है। ये एस्टेरॉयड बैलेट मंगल और जुपिटर के बीच में स्थित है। गौरतलब है कि अंतरिक्ष में अनियंत्रित होकर घूमने वाले मलबे की स्पीड काफी अधिक होती है। ऐसे में यदि ये किसी मानव निर्मित चीज से टकराता है तो उसको काफी नुकसान पहुंचा सकता है, खास तौर पर सैटेलाइट के लिए। सैटेलाइट में लगे सोलर पैनल की हल्की सी टक्कर से बेकार हो सकते हैं। इनके बेकार होने के बाद सैटेलाइट कुछ समय के बाद अपने आप ही बेकार हो जाएगी। मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर मुस्लिम देश सऊदी अरब ने कड़ा कदम उठाया है। सऊदी अरब ने लाउडस्पीकर का सीमित इस्तेमाल करने को कहा है। इस्लामिक मामलों के मंत्री ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी करके क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। लेकिन आप एक नजर डालिए
लाउडस्पीकर का सीमित इस्तेमाल किस तरह से सऊदी सरकार ने सुनिश्चित किया है। मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर मुस्लिम देश सऊदी अरब ने कड़ा कदम उठाया है। सऊदी सरकार ने लाउडस्पीकर को सीमित इस्तेमाल करने को कहा है। इस्लामिक मामलों में मंत्री अब्दुल लतीफ अल शेख ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें मस्जिदों को लेकर अजान और इकामत के लिए ही लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने की बात कही गई है। सरकार के इस आदेश से मुस्लिम कट्टरपंथी भड़क उठे हैं। सऊदी अरब सरकार ने ट्वीट के माध्यम से भी नए नियमों की जानकारी मुहैया कराई है, जिसमें कहा गया है कि लाउडस्पीकर के वॉल्यूम को उसकी क्षमता का एक तिहाई ही रखा जाएगा। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। एक ट्वीट में कहा गया है, इस्लामी मामलों के मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक मस्जिदों से जुड़े लोगों को बाहरी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ अजान और इकामत के लिए ही करना होगा, साथ ही आवाज भी कम रखनी होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब में 2 साल पहले मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर विचार शुरू हुआ था। इसके बाद सरकार ने यह सर्कुलर जारी किया है। माना जा रहा है कि लाउडस्पीकर की आवाज कम रखने का निर्देश इसलिए दिया गया है ताकि लोगों को इससे परेशानी ना हो। गौरतलब है कि लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर भारत में भी सवाल उठ चुके हैं। वैसा यह पहली बार नहीं हुआ है कि सऊदी मंत्रालय ने देश की मस्जिदों के लाउडस्पीकर को लेकर कोई आदेश दिया है। इस्लामिक मामलों को देखने वाले मंत्री ने अप्रैल 2019 में भी रमजान के दौरान मस्जिदों के लाउडस्पीकर का वॉल्यूम कम रखने के लिए कहा था। तब इस आदेश पर सवाल भी थे और अब भी बवाल शुरू हो गया है। कट्टरपंथी संगठन इसके खिलाफ उतर आए हैं।